हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस देख रहे थे। आपके एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन खत्म यानी कि पूरे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ और सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 जो आपको इस तरीके से गिवन है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट की पावर एम। हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो वाई इज इक्वल टू लेकर के चलेंगे तो ये क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट और इसकी जो पावर है वो क्या है, एम है। तो यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें वो भी है और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे देखो, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो आप, एक्स मान लो, तो एक्स की पावर एम है। एक्स की पावर एम का डेरिवेटिव कैसे होता है, एम एक्स की पावर एम माइनस वन, तो यहाँ पे एम बाहर आ जाएगा और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट की पावर एम माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एम तो बाहर ही चल रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट की पावर एम माइनस वन। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा और प्लस में इसका डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स। तो यहाँ पे वन बाई टू रूट एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू में, अब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो यहाँ पे इनटू में 2x हम कर सकते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम इसके नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं क्योंकि हमें एलसीएम अब यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा, एम इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट इसकी पावर एम माइनस वन चल रही है और यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे देखो वन है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट है, तो दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट प्लस में यहाँ पे देखो ये एक्स बचा हुआ है तो हम एक्स को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एक तो ये टर्म है और एक ये, दोनों सेम ही है, इसकी पावर एम माइनस वन है और ये इसकी पावर वन है, तो ये वन इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू, देखो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट इसकी पावर एम। डिवाइड में आपका क्या बच रहा है अब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसका अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिए, ये करना है तो हम इसको इधर ला सकते हैं दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करके, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट इन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इन टू, ये क्या है आपका, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट और इसकी पावर एम चल रही है आपकी, और डिवाइड वाला ये इधर आ ही गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर ये देखो एक बार, वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट की पावर एम क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यानी वाई लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको वाई लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वाई लिखेंगे तो देखो नेक्स्ट स्टेप में अब आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं।
तो अब यहाँ पे देखो m का स्क्वायर लेके आना पड़ेगा। अगर स्क्वायर पे आपको लेके आना है तो इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हो तो आपका आंसर, ये जो रिजल्ट हमें लाना है, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे इस इक्वेशन का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट इंटू सेकंड के तरीके से इसका डेरिवेटिव होगा। और यहाँ पे भी इसी तरीके से एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन को फर्स्ट मान लिया है। और अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे प्लस में। अब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एम स्क्वायर तो बाहर, और वाई स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पे डेरिवेटिव, तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू यहाँ पर क्या जाएगा, देखो इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव देखो ये हो जाएगा टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बन गया है। अब प्लस में ये बाहर निकाल लिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव, तो हमें सीधा सीधा ही पता है एक्स स्क्वायर माइनस वन का अलग अलग हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू में टू एक्स, और वहाँ पे हमारे कर लिया है, तो यहाँ पे टू इंटू एम स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये निकल करके हमारा आ गया है। अब आप यहाँ पे देखिए, जो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो है, लेकिन ये फालतू है। इसमें यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 2 और dy वाई बाई डी एक्स आपका फालतू है, क्योंकि यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपको लेके आना है, और यहाँ पे भी आपको क्या लेके आना है, 2 और ये dy वाई बाई डी एक्स आपको हटाना है। इसका मतलब तीनों पार्टों में सेम ही चीज़ ही फालतू है, तो उसको हम क्या कर देंगे, कॉमन लेके दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, या फिर dy वाई बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड। अगर बोथ साइड इससे डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। चलो नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ये तो कैंसिल हो गया है, यहाँ पे डी टू वाई अपोन डी एक्स स्क्वायर बच गया है, प्लस में ये टू भी चला गया, एक डी वाई बाई डी एक्स भी आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या बच गया है, 2 और dy वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एम स्क्वायर इंटू वाई बच गया है। अब स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे, ये लेके आना है, तो यहाँ पे क्या बाकी है, इसको इस साइड में उठा करके हम ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टू वाई अपोन डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने ये निकाला है ये सेम है या नहीं, जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आ गया होगा। ओके।